स्वागत है आप सभी का आरजे न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं देवयानी जंगेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है। आज देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलने की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश का हर युवा आज देश का प्रहरी बनना चाहता है। वहीं रोजगार मेले के अब तक 7 चरण पूरे हो चुके हैं और आज 8वें रोजगार मेला में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। चलिए आपको बता देते हैं कि कब और कितना ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। 22 अक्टूबर 2022 को पहला चरण हुआ था, जिसमें 75,000 ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को सौंपा गया था। इसके बाद 22 नवंबर 2022 को रोजगार मेले का दूसरा चरण हुआ, जिसमें 71,000 ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। 20 जनवरी 2023 को तीसरा चरण में 71,000 ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को चौथा चरण में 71,000 ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को दिया गया। पांचवा चरण 16 मई 2023 को हुआ, जिसमें 70,000 ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया गया था। 13 जून 2023 को छठवा चरण में 70,000 ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इसके बाद सातवा चरण 22 जुलाई 2023 को 70,000 ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को सौंपा गया था और आज आठवें चरण में 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया। आपको बता दें कि अब तक 4.54 लाख युवाओं की ज्वाइनिंग लेटर दी जा चुकी है। 22 अक्टूबर 2022 को देश में पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। तब पीएम मोदी ने बताया था कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2021 के आखिर तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का है।